स्कूल में स्पोर्ट गाला था तो वहाँ गई थी। वो भी मैं आपको व्लॉग में आगे दिखाऊंगी। तो अभी तो सर्दी इतनी लग गई, शुक्र है अभी धूप लग गई है इधर। तो वो किधर गए? बच्चे तैयार हुए? बच्चे तैयार हो के जा रहे हैं? बच्चे भी तैयार हो के इधर जाएं फिर इधर कराटे सीखने। ये देखिए ये लड़की फायरिंग से जंप कर रही है। और ये देखिए एक बच्चा आया, ये बच्चे ऐसे परफॉर्मेंस कर रहे थे। ये देखिए कितना मज़े का है। ऊपर देखिए हमारी कश्मीर। ये देखिए हमारे इससे हम मेरे बच्चे के स्कूल में ये जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था ना तो उनका ये देखिए कितना मज़े का फंक्शन हो रहा है। ये देखिए बच्चे फायरिंग से जंपिंग कर रहे हैं। ये देखते जाएं आप भी। ये आज खास व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लिया करें, शेयर करें। ये देखें ये देखिए ये बच्चे आ रहे हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये छोटा बच्चा है इसका देख, ये छोटोला सा ये देखिए इसका। ये देखिए कैसे कह रहा है। अब लड़कियाँ आ रही हैं। ये देखिए ऊपर बाहर कर रहे थे ना तो ये देखे देखना ये अब लड़की करेगी। ये जंपिंग कर रहे हैं। ये 4-5 बच्चे थे ना उसके उनके ऊपर से जंप करना था। ये देखिए बहुत अच्छा आज इन्होंने फंक्शन किया स्पोर्ट काला का, बहुत ज़्यादा अच्छा किया इन्होंने। ये देखिए ये हमारे बच्चे देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इनमें इनमें कॉन्फिडेंस है। ये देखें इनकी जंपिंग देखें आप भी। ये इन्होंने चैलेंज किया था कि 5-6 बच्चे होंगे या 5 बच्चे होंगे हम उनके ऊपर से जंप करेंगे। ये इन्होंने चैलेंज किया था तो ये मेरे ये देखना ये अब करेंगे ये बच्चे जंपिंग करेंगे। 6 बच्चे थे या 5 बच्चे थे उनके ऊपर से इन्होंने जंप करना था बच्चों ने। देखिए ये जंप कर गया। और भी ये काफ़ी चैलेंज कर रहे थे। ए ग्रुप भी था और बी भी थी, बी ए ग्रुप और बी ग्रुप। वो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे कि इतने बच्चे होंगे तो इतने बच्चों के ऊपर से हमने आपने जंप करना है। ए ग्रुप जो था वो बी ग्रुप को चैलेंज कर रहा था और बी ग्रुप ए वालों को चैलेंज कर रहा था कि इतने इतने बच्चे हुए हम इस तरह नीचे मुड़ेंगे और आपने ऊपर से जंप करना है। ये देखें ये हमारे बच्चे देखें माशाल्लाह। आपको भी वीडियो अच्छी लगेगी। ये देखें हमारे बच्चों को कश्मीर के बच्चों को ज़रूर लाइक करना। ये एक आया हुआ था वो मेहमान जो बुलाए हुए थे उनका बच्चा कह रहा था मैं नहीं करना है। वो मेरे ख्याल में फिर उससे नहीं हुआ तो फिर छोड़ गया था कि नहीं मैं नहीं कर सकता। ये देखना ये छोटा बच्चा आ रहा था ना तो मेरे ख्याल में नहीं हुआ उससे। फिर सर कह रहे थे कि आप नीचे मुड़े तो वो जंप करे आपके ऊपर से, शायद किसी और दूसरे स्कूल का था। सब कुछ उतार रहा था लेकिन फिर इससे नहीं हुआ, क्या पता शर्मा गया है क्या हुआ है इससे। ये किसी और स्कूल का बच्चा था, उस स्कूल का बच्चा नहीं था। ओए होए ये देखें वापस सेट गया। ये मेरा जारून ठहरा हुआ था। ये देखना उन
बच्चों का कॉन्फिडेंस चेक करें कि देखें कैसे इतने लंबे लंबे जंप लगाएंगे। ये देखें, ये आगे सर ठहरे हुए, थोड़ी पीछे थी, पीछे से होके वीडियो बना रही थी। ये देखें, ये इनका अब ये शुरू में था, वेलकम टैबलो कर रहे थे ना, तो ये इसमें मेरे RBR ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। ये देखिए इनका, इतने प्यारे लग रहे थे छोटे बच्चे, देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखे माशाल्लाह, इनकी यही छोटी छोटी बातें जो है ना तो याद रहेंगी इनका। ये बहुत मज़ा आता है स्कूल में, बच्चों के यही दिन होते हैं। ये देखिए कितना अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये मेरा जारून घूम रहा है बच्चों के बीच में। ये देखिए कितने प्यारी लग रही है, इन्होंने ये इतना प्यारा सा कुछ उठाया हुआ था ना हाथ में, तो ये जब ऊपर करते थे तो बहुत प्यारा, ये रेड पिंक ग्रीन येलो ब्लू बहुत प्यारे लग रहे थे इस तरह। ये देखें पर्पल, ये देखिए स्कूल की माँ को तो जाना ही पड़ता है, जाहिर है बच्चों के हर फंक्शन में शिरकत करनी पड़ती है, उनकी भी हौसला अफजाई होती है कि हमारी मामा हमारे लिए टाइम निकाल के आई हैं। जाहिर है बच्चों के लिए सब कुछ होता है, तो अगर उनको हम टाइम नहीं देंगे तो फिर वो क्या बड़े हो के हमें टाइम देंगी। इसलिए छोटी छोटे बच्चों की जो खुशियाँ होती हैं ना तो उनमें शरीक होना चाहिए। मैं तो हमेशा, में कोई भी पेरेंट्स मीटिंग होती है, इस तरह के फंक्शन होते हैं, मैं बच्चों का कोई किसी मेरे स्कूल में कोई भी मिस नहीं करती रहती कि मेरे बच्चे ये ना सोचे कि हमें हमारी मामा टाइम नहीं देती। देखिए कितने प्यारे लग रही हैं, देखिए ये बच्चे माशाल्लाह, लगता बैलून है। गोल दायरे बना के तो फिर टैबलो पेश कर रहे हैं, देखिए मेहमानों को ये कर रहे थे ना टैबलो। हाँ देखिए बच्चों के भी बड़े हों, क्या बना हुआ है ये पता नहीं, कोई चीज़ उन्होंने बनाई हुई है ऐसे बच्चों को लिटा के ना। अच्छा वेलकम, हाँ वेलकम किया हुआ है उन्होंने, ये देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है शायद, ये देखिए। ये आगे कोई नहीं, वो टीन पे भी चढ़ के तो बना रहे थे, देखे ये देखे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, देखे उन्होंने उठाया ही उठाया हुआ है ना हाथ में, पता नहीं क्या ये शाइनिंग सा कुछ हाथ में उठा के तो उससे कर रहे हैं वेलकम कर रहे हैं। ये देखिए ये और भी मेरे ख्याल में ये क्या करने लगे, ये शायद अच्छा वो था ना ये ईंटे तोड़ने वाला, पत्थर ईंटे ये रख के ना तो वो तोड़ रहे थे,
कराटे कराटू का ही मेरे ख्याल में कुछ था, तो उसमें ये इन बच्चों जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था वो कह रहे थे बहुत अच्छा किया इन्होंने, इतना अच्छा ना कि माशाल्लाह, अल्लाह हर बच्चे को कामयाब करे है, हर बच्चा ही ये देखिए ये कितना प्यारा कर रहे हैं। ये पहले ये कर रहे थे, फिर बाद में इन्होंने ईंटें तोड़ी थी, बड़ा मज़े का करवा रहे थे, बच्चों पे बहुत तवज्जो देते हैं देखें माशाल्लाह टीचर। आजकल वो ज़माना नहीं है कि जो हम तो सिर्फ पढ़ के आते थे, आज बच्चों को हर एक्टिविटीज़ में ऐसे पार्टिसिपेट करवाते हैं कि हर चीज़ बच्चा सीखे। आज तो बच्चों के लिए देखे कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर बच्चा हर चीज़ सीख रहा है, टीचर्स करवाते हैं सब कुछ। हमारे ज़माने में तो ज़माना हमारा भी पुराना नहीं था इतना, लेकिन फिर भी इतना नहीं करवाते थे जितना आजकल बच्चों को हर चीज़ में हर चीज़ सिखाते हैं। सर सर देखें इनको कितना सही करवा रहे हैं, ये इनके सर हैं जो इनको प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर उधर भी इनके साथ ही कर रहे थे।